Okay, first good news of 2020, which is 200 crores. This is for good news. मतलब इस साल में खबर आ रही है, मतलब ये साल अच्छा ही होगा. पैसा 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 ही पैसा होगा. You know, 2020 is also going to be great for Mr. Akshay Kumar. Look at the lineup. ये तो हिट होनी है, ये हिट हो जाएगी. इसको कोई रोक सकता नहीं और ये तो आएगी आएगी नंबर वन क्योंकि दिवाली पे है. So like 2019, 2020 is also bring good news for Mr. Akshay Kumar. पैसा ही पैसा होगा. एक ईयर स्टार्ट होते ही बैड न्यूज बेचारे इमरान खान भाई के लिए. फर्स्ट, इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर यू शुड नॉट शेम एनी कंट्री बाय ट्वीट. इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट करा, वो भी गलत वीडियो. बांग्लादेश में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो पुराना वीडियो उठा के बोल रहा है, देखो इंडियन पुलिस कैसे कर रही है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर. अब कितना देश देख ले भाई. एंड आफ्टर दैट हिज नेम वाज ऑन ट्रेंडिंग एंड आवर पीपल वर बैशिंग हिम बैडली. ऐसी गलतियों के लिए चिकारा छोड़ता नहीं. इसे जान गंवानी पड़ सकती थी पर छोड़ दिया. ये वीडियो देख के पूरा देखना बॉल कहाँ लगी है. थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था. All right, what a great start of 2020. I mean, what the fuck was that? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? मतलब तुम लोग बहुत कॉफी चोर और करके आया ये वो बोलते थे. देखा मुंह बंद करा दिया उसने सबका. तो इतना बोलता था. क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए? तुमने आज तक किस चीज का दिमाग यूज किया है? If you understand the chronology, this is the first big news of 2020. पहले जमान टूट गया यार. And all the single londas are disappointed. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं. मतलब ये वही थ्री इडियट्स वाली बात हो गई जी. दोस्त फेल हो जाए बुरा लगता है और हेडशॉट टॉप कर जाए तो और गुस्सा आती है. बता तुम्हारी माँ का चौथा भोसड़ी वाले. सी गाइस, ही वर्क्ड रियली हार्ड एंड सॉरी बट सो मेनी रेसिस्ट जोक्स यार. अरे हेडशॉट हद कर दी लोगों ने रेसिज्म की. कभी गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला, कभी ये और कभी तो बाला का ये डायलॉग चल रहा था. इतने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दी. ऑनेस्टली व्हाट अ कमबैक फ्रॉम हार्दिक पांड्या, कम ऑन. और वो जिसने इसकी जिंदगी खराब की थी करण जौहर, उसकी फिल्म इतनी खराब है, इतनी खराब है कि बहनचोद भूत ना देखे. ये घोस्ट स्टोरीज. गुड नाइट, जस्ट से गुड नाइट. किसे थ्रू ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. मादरचोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे. यू नो गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग. नेटफ्लिक्स इज इन्वेस्टिंग अराउंड हाफ ऑफ बिलियन डॉलर इन इंडिया टू ग्रो द बिजनेस. एंड व्हाट शिट दीस पीपल आर डूइंग विद नेटफ्लिक्स. दरवाजे पे कोई है? कोई नहीं है दरवाजे पे. अरे बहुत हरामी है इंडियन. सारी टट्टी बना बना के नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं ताकि नेटफ्लिक्स ठप हो जाए और इनकी फिल्में लोग देखे. अरे घोस्ट स्टोरी के नाम से चोर स्टोरी बना दी. सिर्फ मर गई. आई लव टू वॉच हॉरर मूवीज. आई वॉज वेटिंग फॉर इट एंड इट वॉज शिट गाइज. आई मीन व्हाट वॉज दैट. पापा, जब मासी की बेबी आएगा मासी मुझको प्यार नहीं करेगी. मैं सच बता रहा हूँ जी, नेटफ्लिक्स वालों को चूतिया बनाया. और सबसे सड़ी हुई मूवी दो लोगों की है, एक तो अनुराग की है दूसरी करण की है. थोड़ा बहुत ठीक काम दिवाकर ने किया है, उसकी मूवी देखने लायक है. बाकी बहनचोद क्यों चूतिया काट रहे हो नेटफ्लिक्स का यार. आई मीन व्हाई करण जौहर एंड जोया अख्तर विल मेक अ हॉरर मूवी. आई मीन कम ऑन, देयर इज नो लॉजिक. और मूवी शुरू होते नेपोटिज्म शुरू हो जाता है जी. जानवी कपूर आती है सबसे पहले. एक्टिंग ठीक की है बंदी ने पर स्टोरी इतनी चूतिया है. मैं बना दूं कल मैं चूतिया, फिर भी बहुत चूतिया स्टोरी. चूल्हे में हगना बंद करो. एंड इफ यू टॉक अबाउट नेपोटिज्म, दिस थिंग विल गिव यू सम काइंड ऑफ रिलीफ. क्या किया है कि एमसी शेर ने क्या दहाड़ा है, कि एमसी शेर ने क्या दहाड़ा है, नेपोटिज्म का कर दिया कबाड़ा है. अरे लूट लिया चावा यहां पे. I've gotten everything I've ever wanted, but I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way, you know. Yeah, I mean, this bit went viral and it was on trending. I mean, just listen to this blah, 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 blah. Hate on me for nepotism. I'm not going to shy away that I'm Chunky Pandey's daughter. My dad has worked really hard. Yeah, ऐसे ही बोलती रहेगी, मेरे पापा Chunky Pandey ये वो blah, blah, वो नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी है Chunky Pandey जी. फिर भी ये बोलती रहेगी, बोलने दो उसको. I never want to be like no, I'm not his daughter. No, no, I am his daughter. I'm very. फिर और बोलेगी, और बोलती रहेगी, blah blah blah. Proud to be his daughter. बातें बंद नहीं होगी, और बोलती रहेगी. Fast forward कर दो, बोलती रहेगी. And you know, actually, one student got delayed.
And Siddharth Chaturvedi, who played MC Sher, he just killed it in one line. Just listen to it. सबका struggle अलग होता है. Yeah. Difference ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ इनका struggle शुरू होता है. हाँ. ये. Sir, ये तो gold है. Okay, last week one video of Mr. Javed Akhtar went viral like shit. कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर दे, are you hard to look at that? I mean, come on, Moses. ये एक बात सुनिए. जी. आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें. कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं, उसे तो आपका बायस मालूम हो रहा है. मालूम होता आप एक साइड पे हैं. आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए. काले भैया, मेरा मुंह काले कर गए. हाँ अंजन, यही हम भी मानते हैं कि बीच में होना चाहिए, ना इस साइड ना उस साइड. पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप. सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप. ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे हैं. न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल है. यो, दिस इज द बेसिक एंड वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस. वी आर गेटिंग अब्यूजेस फ्रॉम बोथ द साइड्स. इफ ही से समथिंग अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी विल अब्यूज. इफ ही से समथिंग अगेंस्ट कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी विल अब्यूज. और किसी एक का साइड लेके फॉलोवर्स भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पर हमें पता नहीं क्या कीड़ा काटा है, हम नहीं करते. चल बात चूतिया. बात क्या है जी? यो एनआरसी है क्या? पता तो लगे. अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. हमारे व्हाट मिस्टर जावेद अख्तर इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग इज कंट्रीज कॉमन मैन इज फेसिंग. प्रधानमंत्री कह रहे इसके बारे में बात ही नहीं हुई. अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ. हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा. पीपल आर कंफ्यूज्ड. तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी. आई मीन सी द डेप्थ ऑफ कंफ्यूजन. जिस तरीके से नीता अंबानी बोलती है कि अल्लाह ने कहा था एक मक्का मुसलमानों को सुधारने के लिए पैगंबर भेजूंगा, तो वो अमित शाह को भेजा है. अरे ये तो कुछ नहीं है. और इसके विचार सुनो, पता नहीं कौन सा ट्वीट पढ़ के आई है ये. आपने ये कहाँ पढ़ा था? नीता अंबानी की ट्वीट किया था. दीस पीपल आर अपोजिंग एंड दोस पीपल हु आर सपोर्टिंग, लुक एट देयर कंडीशन नाउ. एनआरसी होगी तो होगी. एनआरसी क्या है, फुल फॉर्म बता दो. ठीक है, एनआरसी क्या है, फुल फॉर्म बता दो. सही पेला. जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए. अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल करें. जावेद साहब ने मोदी जी की बेटी को भी पेला था, याद है? याद दिला देता हूँ. राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए. सोच, शब्द, सब. चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया जो अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई? आई मीन कम ऑन, ही इज कंप्लीटली नेलिंग इट. सर ये तो गोल्ड है. कमिंग फ्राइडे देयर वर टू बिग रिलीजेस, तानाजी एंड छपाक. बट नेशन वॉन्ट्स टू नो कि शाहरुख खान की पिक्चर इस साल आएगी कि नहीं आएगी. वी डिड नॉट गेट एनी ऑफिशियल न्यूज फ्रॉम मिस्टर शाहरुख खान, बट या वी गॉट दिस पिक्चर्स फ्रॉम मिस्टर शाहरुख खान. पिक्चर को ना डिस्क्राइब करते बड़ा मजा आया. सुन तो सही, पर तो यार ये आर्यन खान को क्या कॉन्स्टिपेशन हो गया. तीनों पिक्चरों में भाई का मूवी बना रहता है. पापा की पिक्चर देख ली क्या? खुले में हगना बंद करो. एंड सी व्हाट इज बिहाइंड सुहाना खान. आई मीन जस्ट लुक एट दिस. मोदी है तो मुमकिन है. अरे तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, भाई भी बिना मेकअप के गए थे. तू क्या? You know guys, in 2020 it's going to be election time in US. But did you notice that? थोड़े दिन पहले मैंने ट्रंप को अमेरिका का मोदी जी बोला था, सेम सिचुएशन हो रही है. अभी ये भी मिलिट्री अटैक करवा रहे, स्ट्राइक हो रही है वहाँ. As president, my highest and most solemn duty is the defense of our nation and its citizens. But नहीं, मोदी जी ने तब करवाई थी जब उन्होंने अटैक किया था हम पे. पर ये तो भाई मतलब सुन लो. Qasem Soleimani. एक तो उसको नाम बोलने में बहुत परेशानी होती. पिछली बार ही बैठक गया था. अबू बकर अल-बगदादी इज डेड. पर ही इज इन डायरेक्शन. सुन तो लो. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेलर. अबू बकर अल-बगदादी डाइड इन 26 अक्टूबर. दिस गाय डाइड इन 2nd ऑफ जनवरी. आई मीन एज प्रेसिडेंट माय हाईएस्ट एंड मोस्ट सॉलेम ड्यूटी इज द डिफेंस ऑफ आवर नेशन एंड इट्स सिटीजंस. वही मिलिट्री ऑपरेशन एंड ऑल दैट, सेम टू सेम वही पे रिपीट हो रहा है. वही
रॉकेट गाड़ियों पर आकर गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। वेलकम टू 2020। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raho, mere fans, meri jaan, and yes, best welcome of 2020. लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पर ये नहीं कि हमने कहा कि आपकी फेवरेट टॉप 10 मूवीज कौन सी 2020 को, जिनको आप देखना चाहते हैं। चल बात छूटिए। नहीं यार, ठीक है, अभी चल रही ना बात। तो वी गॉट टॉप 10 मूवीज। द नंबर वन मूवी दैट पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इस KGF पार्ट 2, देन लाल सिंह चड्ढा। और ये मेरी जान, मेरे दिल का करार, मैं वेट कर रहा हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा मैं। चल बात छूटिए। वंडर वुमन, एंड पीपल आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ब्लैक विडो। I'm waiting for it. Wonder Woman 84, ठीक है, इसका भी वेट कर रहे हैं, 80 का भी वेट कर रहे हैं, कपिल पाजी की No Time to Die and Tenant, and finally Birds of Prey, the most ambitious project of Karan Johar, Takht. अरे पूरी नेपोटिज्म की दुकान खोली है भाई ने इसमें, और सबसे ज्यादा इंतजार है लोगों को ब्रह्मास्त्र का। अबे 3 पार्ट बना रहे हो, 30 पार्ट बना रहे हो, कब लाओगे पिक्चर? मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं, पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं, तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है।